In this video, we are going to discuss about buoyancy. Let's see. If you pull a bucket full of water from a well, it seems to weigh more in air as compared to that inside water. अगर आप कुएं में से पानी की बाल्टी को बाहर खींचते हैं तो आप देखते हैं कि पानी की बाल्टी हवा में आपको ज्यादा भारी महसूस होती है, लेकिन पानी के अंदर इट अपीयर्स टू बी लाइटर. इफ यू ट्राई टू लिफ्ट अ स्टोन इनसाइड वाटर, द फोर्स रिक्वायर्ड इज लेसर. पानी के अंदर अगर आपको एक पत्थर उठाना है तो आपको वो लाइटर फील होगा. इवन इफ यू सिट एट द बॉटम ऑफ अ पूल, यू राइज अप. आप नाक बंद करके पानी के नीचे बैठ जाइए, आप ऊपर आ जाते हैं. अ हीलियम फिल्ड बलून राइजेज अप इन एयर. ये सारे इंडिकेशन ये शो कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है. ऑल दिस एग्जाम्पल शो दैट देर इज अ फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन वन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शली सबमर्ज इन अ फ्लूइड. एक बॉडी को आप पार्शली या कंप्लीटली अगर सबमर्ज कर देते हैं तो वो जो फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है उस समय, उसको हम बॉयंसी कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट भी कहते हैं. नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट बॉयंसी. सबसे पहले तो वे द बॉडी इन एयर बाय द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. मान लीजिए रीडिंग डब्ल्यू वन आ रही है. नाउ वे द बॉडी अगेन आफ्टर इमर्सिंग इट इन अ फ्लूइड. अब इसको फ्लूइड में डुबो दिया, दोबारा रीडिंग लीजिए, डब्ल्यू टू आ रही है. वी ऑब्जर्व दैट द रीडिंग डिक्रीजेस. आप क्या नोटिस करेंगे? आप नोटिस करेंगे कि रीडिंग पहले से कम हो गई. अब हम कैलकुलेशंस करते हैं. पहले डब्ल्यू वन था रीडिंग, टेंशन लग रहा है ऊपर, डब्ल्यू वन लग रहा है नीचे, तो टी वन इक्वल्स टू डब्ल्यू वन इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब हम फ्लूइड में डुबोते हैं, हम जानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, तो एम जी यहां भी नीचे लग रहा है, टेंशन यहां ऊपर लग रहा है, लेकिन साथ में यहां पे एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, नोन एज द बॉइंट फोर्स. इस बार टी टू इक्वल्स टू डब्ल्यू टू रीड कर रहा है, टी टू प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, मतलब टी टू. ठीक है, टी टू तो डब्ल्यू टू लिया है हमने, तो डब्ल्यू टू प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? डब्ल्यू टू प्लस बी इज इक्वल टू W1. देखिए W1 इक्वल्स टू एम जी था, तो बोलिए B का फॉर्मूला क्या आ गया? W1 माइनस W2 आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट द बॉयंसी इज इक्वल टू द लॉस इन वेट सफर्ड बाय द लिक्विड. बताइए ना, हवा में वजन कितना आ रहा था W1, पानी में क्या आ रहा है W2 आ रहा है, या जो भी लिक्विड है उसके अंदर W2 आ रहा है, तो लॉस इन वेट कितना है? W1 माइनस W2 है, यही इसका बॉइंट फोर्स हो गया. ये क्या हो गया? इसका बॉइंट फोर्स. नाउ लेट्स सी, इसी में एक एक्सपेरिमेंट है. ये ना ओवरफ्लो वेसल कहलाता है. ये जो वेसल है इट्स कॉल्ड ओवरफ्लो वेसल. इसमें यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ नीचे एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड कलेक्ट होता है. तो क्या हुआ, हमने ऊपर से यहाँ पे इसको जैसे ही डाला तो आप देखेंगे पानी बाहर आ जाएगा. जैसे ही हमने इसको डिप किया, वी सी दैट वाटर कम्स आउट. दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है. इस डिस्प्लेस फ्लूइड का अगर आप वजन लेंगे तो इसका वजन भी W1 माइनस W2 आ जाता है. इसका वजन भी क्या आ जाता है? W1 माइनस W2. तो ओवरफ्लो वेसल है, यहाँ तक इसमें लिक्विड है, इसमें डिप किया, ये डिस्प्लेस फ्लूइड आ गया. डिस्प्लेस फ्लूइड का वजन लेके देखा, ये भी W1 माइनस W2 आ रहा है. इसका मतलब साफ साफ हुआ कि वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, बॉयंसी, दोनों सेम चीज़ है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बॉयंसी इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. इस बात को समझिए कि अगर आपको बॉयंसी निकालनी है तो आप या तो ये देख लीजिए कि बॉडी ने हवा में कितना वजन किया और फिर फ्लूइड के अंदर कितना वजन किया, दोनों का जो डिफरेंस है वो बॉयंसी है, या फिर आप क्या कीजिए, आप ये देखिए कि कितनी फ्लूइड डिस्प्लेस हुई है और उस डिस्प्लेस फ्लूइड का वजन ले लीजिए, वो भी बॉयंसी के बराबर होगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. आर्किमिडीज लॉ क्या है? पहले आर्किमिडीज के बारे में एक बात समझिए. आर्किमिडीज राजा के दरबार में थे, तो वहां पे क्या हुआ कि राजा ने एक मुकुट बनवाया, एज द स्टोरी गोज. तो राजा को इस बात का शक था कि इसके अंदर ना मिलावट है, तो उन्होंने आर्किमिडीज से कहा कि इसकी ना शुद्धता नापो, लेकिन तभी बिना पिघलाए नापना मुश्किल था.
और उसको ये भी कहा कि अगर नहीं होगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो आर्किमिडीज थोड़ा परेशान हो गया, बट ही आस्क फॉर सम टाइम, कि कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसका तरीका ढूंढता हूँ। एक दिन आर्किमिडीज नहाने के लिए गए, बाथ टब उनका पूरा पानी से भरा हुआ था। तो जैसे ही वो पानी के अंदर घुसे, पानी बाहर आ गया, तो उनके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ। तो वो जिस अवस्था में थे उसी में रोड पे दौड़ने लगे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए, जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट। तो बेसिकली क्या है, आर्किमिडीज ने उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, जो कि काफ़ी काम आया। ये कहता है, अ बॉडी होली और पार्शली सबमर्ज इन अ फ्लूइड इज बॉयड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। जो अभी मैंने आपको बताया उसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आर्किमिडीज लॉ के हिसाब से एक बॉडी अगर पार्शली या कंप्लीटली डूबी हुई है फ्लूइड में, तो उसमें वजन उसका घटेगा, ठीक है, और जो लॉस इन वेट आएगा वही बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। यहां अब ऐसा है कि जैसे इस बॉडी की बात हम करते हैं, एम जी डाउनवर्ड्स लग रहा है, बॉयंसी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हम जानते हैं बॉयंसी इक्वल्स टू लॉस इन वेट या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो बॉयंसी हो गया दिस मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, जितना उसने डिस्प्लेस किया है। तो अगर मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी आप देखेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको आराम से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी, ये बॉयंट फोर्स हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें जो VL है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, जो किसके बराबर होता है। तो आप इस बात को समझिए, बॉडी का जितना वॉल्यूम घुसा इसके अंदर उतना ही तो वो हटाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी की जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है उतना ही वो डिस्प्लेस करने वाला, लेट इट बी डेल्टा वी। मतलब यहां से यहां तक के वॉल्यूम को डेल्टा वी ले लेते हैं, तो बॉयंसी का फॉर्मूला आराम से डेल्टा वी रोजी हो गया, जिसमें डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात कर रहे। तो यहां से क्या है, अ बॉडी विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम बॉयंसी इफ वॉल्यूम सबमर्ज इज मैक्सिमम, विच मीन्स द बॉडी इज फुली सबमर्ज, मतलब बॉडी पूरी तरह से सबमर्ज होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू कंसिडर ओनली द एक्सटर्नल वॉल्यूम। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहां पे सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्यूम ही देख के चलना है। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्यूम देख के चलना होता है, इस बात को समझ लीजिए। और अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तो मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है। इसी में अब आप एक चीज देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए इज सॉलिड एंड बी इज हॉलो, ये दोनों स्फीयर है, ठीक है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और ये हॉलो स्फीयर है, और दोनों का एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है वो सेम है, एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है उनका क्या है, सेम है। तो यहां पे क्या है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर सेम है तो दोनों उतना ही पानी हटा रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पे बॉइंट फोर्स भी इक्वल लगेगा, मतलब इन दोनों पे बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल। नाउ हम उसी एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस में एक आलू को बांध लेंगे, यहां पानी है, ये ओवरफ्लो वेसल है और ये कंटेनर है, दिस इज अ वेइंग मशीन। सबसे पहले आप ओवरफ्लो वेसल में पानी को डालिए, जब ये टॉप तक आ गया, ये देखिए ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट वी डू इज, हम इस ग्लास को लेते हैं और इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ है इसको वापस से इसमें डाल देते हैं, और अब हम कंटेनर को वापस इसी जगह पे अरेंज कर देंगे। अब जो पोटैटो हमने बांधा था स्प्रिंग बैलेंस से, इसको हमने उठाया और इसको उठा के अब हम क्या करेंगे, वे करेंगे, ये 125 ग्राम्स के आसपास आ रहा है। इसको उठा के पहले हमने हवा में वे कर लिया, 125 आया, अब इसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं। नाउ सी, जैसे जैसे पोटैटो अंदर जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, करेक्ट, हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके पूरा अंदर डाल दिया, तो इसने यहाँ पे इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया। नाउ ये सिर्फ 13 ग्राम्स वे कर रहा था, पहले 125 वे कर रहा था और इसमें डुबोने के बाद सिर्फ 13 वे कर रहा है, मतलब 112 ग्राम का लॉस आया है, लॉस इन वेट 112 ग्राम है, ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, ये हमारा डिस्प्लेस फ्लूइड आ गया, डिस्प्लेस फ्लूइड को उठा के हम इस बर्तन में डालेंगे। देखिए नीचे रीडिंग चेंज हो रही है, रीडिंग 110 आ रही है,
हालांकि रीडिंग हमारा एग्जैक्टली 112 आना चाहिए था, पर हुआ क्या, 112 इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 ग्राम के आसपास लॉस हो गया होगा बदलने। बॉयंसी ओबेज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि पानी के अंदर है, लिक्विड ने इस पे बॉयंसी भी अपवर्ड लगाया, थर्ड लॉ से ये लिक्विड के ऊपर सेम वही फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा। क्या होता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट लॉस इन वेट सफर करता है तो एग्जैक्टली उतने से ही लिक्विड वाले सिस्टम का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल। जैसे अगर आप एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके जा रहे हैं और एक हाथ में अगर आप एक फिश को लेके जा रहे हैं, तो अगर आप फिश को उठा के पानी की बाल्टी में डाल दें तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिश का वजन जितने से कम होगा, ठीक है ना, फिश का वजन जितने से कम होगा, बाल्टी प्लस पानी का वजन एग्जैक्टली उतने से ही बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस द वेइंग मशीन एंड देयर कंबाइंड रीडिंग व्हेन मास इज सबमर्ज्ड, व्हाट इज योर आंसर इफ द कंटेनर वॉज फुली फिल्ड। समझिए इस बात को, पहले हवा में रीडिंग W1 आ रही थी, इस कंटेनर को यहां उठा के रख दिया, रीडिंग W2 आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि W1 और W2 की रीडिंग और W1 प्लस W2 जो रीडिंग है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाते हैं, सबसे पहले इसकी रीडिंग तो W1 माइनस B हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। थर्ड लॉ से वही बॉयंसी नीचे लगने लगी, एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, तो इसकी रीडिंग W2 प्लस B हो जाएगी, मतलब बढ़ गई। अब कंबाइंड करके देखते हैं, पहले कंबाइंड रीडिंग थी W1 प्लस W2, अब रीडिंग है W1 माइनस B प्लस W2 प्लस B, बी से भी कट गया, W1 प्लस W2 आ गया, तो ये कंबाइंड रीडिंग है जो आ रही है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइंड रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्स्ट वाला घटेगा सेकंड वाला बढ़ेगा, लेकिन कंबाइंड रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर इसी में एक और पार्ट है जिसमें कहता है व्हाट इज योर आंसर इफ कंटेनर वॉज फुली फिल्ड। नाउ इस बात को समझिए, कंटेनर अगर फुली फिल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इस बार लिक्विड बाहर जाएगा, और अगर इस बार लिक्विड बाहर जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंटेनर इस बार फुली फिल्ड है, लिक्विड इस बार बाहर जाएगा, अगर लिक्विड बाहर जाएगा तो इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, उतना ही वजन घट गया तो फर्स्ट वाले का तो अभी भी घटेगा, W1 माइनस B तो अभी भी ये है, सेकेंड वाले में W2 प्लस B क्योंकि बॉयंसी लग रहा है और उतना ही लिक्विड बाहर चला गया, घट गया, तो इसकी रीडिंग तो क्या रह गई, सेम रह गई ना, जितनी पहले थी उतनी रह गई। और अगर हम W1 प्लस W2 देखेंगे, फर्स्ट टर्म घट रहा है, सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल भी घटेगा। तो फिर से समझिए, हवा में ये रीड W1 कर रहा था, फ्लूइड में डुबोते ही W1 माइनस B हो जाएगा, रीडिंग पहले से कम हो जाएगी। ये पहले W2 रीड कर रहा था, अगर इसके ऊपर अब हम देखें बॉयंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो W2 प्लस B हो गया, रीडिंग पहले से इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेकिन कंबाइंड रीडिंग में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक का जितने से घटा दूसरे का एग्जैक्टली उतने से ही बढ़ गया, इसलिए कंबाइंड रीडिंग में कोई असर नहीं पड़ रहा। अब अगर हम देखें तो जब इसमें सेकेंड पार्ट में कह रहा है फुली फिल्ड, तो इस बात को आप समझिए ना, अगर फुली फिल्ड होगा तो जैसे आप इसको इसमें डालेंगे लिक्विड बाहर आ जाएगी, तो जितना बॉयंसी इसने लगाया उतना ही वेट का लिक्विड बाहर भी तो आ गया, तो बॉयंसी बी से इसका फोर्स बढ़ रहा है तो बी से घट भी रहा है क्योंकि लिक्विड बाहर चली गई, ये दोनों नंबर कैंसिल हो गए, सेम रीडिंग आ गई। और W1 प्लस W2 की जब बात करेंगे तो W1 वाला टर्म घटा है, W2 वाला टर्म सेम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है W1 प्लस W2 घटेगा। नाउ लेट्स सी, कहता है फाइंड द बैलेंसिंग वेट रिक्वायर्ड इन द सेकेंड केस। जैसे फर्स्ट केस में ये बैलेंस्ड है पर इसको घुमा दिया, अब बैलेंसिंग वेट पूछा है, रेडियस आर और डेंसिटी रो है, तो ठीक है, इसके ऊपर बॉयंसी बी लगा, इसका अपेरेंट वेट घट गया, तो इधर बी से घट रहा है, मतलब इधर वाले जो पैन है इसका इफेक्टिव वेट बी से घट रहा है, जबकि इधर वाले पैन का अगर हम देखेंगे तो थर्ड लॉ से वही बी नीचे लगा तो इसका बी से बढ़ गया। नाउ टेल मी, एक तरफ आप बी से घटा रहे हैं, दूसरे तरफ आप बी से बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप बी से घटा रहे हैं, दूसरे तरफ आप बी से बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंसेस ऑफ 2b, मतलब इन दोनों के बीच में 2b का डिफरेंस है, तो आपको जो एक्स्ट्रा वेट यहां रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए वो 2b रखना पड़ेगा। तो एक तरफ बी से घटा दिया, एक तरफ बी से बढ़ा दिया, डिफरेंस 2b का हो गया, इसलिए 2b का वेट आपको यहां रखना पड़ेगा, और अगर आप 2b का वेट रखेंगे
तो वेट हो गया 2b, 2v रो जी, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, दिस इज द वेट फोर्स. तो ये कंडीशन हमारा आ गया.